दोस्तों, अभी 3 दिन पहले जब मैंने प्रियंका चोपड़ा जी की पहुना नाम की फिल्म का रिव्यू किया था, तो वो रिव्यू अपलोड करते ही उसके नीचे कमेंट आया था कि भाई कम से अब इस वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑफ नहीं होना चाहिए, कम से कम इस वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑफ ना हो जाए, ये कमेंट उसके नीचे आया था। तो मुझे लगा नहीं था कि यार इस वीडियो में कुछ मैंने ऐसा कुछ मोनेटाइजेशन ऑफ होने जैसी कोई बात की है। एक मूवी रिव्यू है और बड़े ही हमने प्यार भाईचारे की उस वीडियो में बात की है, लेकिन फिर भी यूट्यूब ने उस वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया। तुरंत नहीं किया, 2-3 दिन के बाद में अभी कल रात को ही उस वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑफ हुआ है। मतलब ऑटोमेटिकली नहीं हुआ है, किसी ने रिपोर्ट वगैरह की है उस वीडियो को हमारे, और इस वजह से फिर यूट्यूब ने उससे उसका मोनेटाइजेशन ऑफ किया है। फिर मैंने रिक्वेस्ट भी डाला रिव्यू करने के लिए दोबारा, उन्होंने दोबारा रिव्यू करके कन्फर्म किया यूट्यूब ने कि भाई इसका मोनेटाइजेशन हम ऑफ ऑन नहीं कर सकते, ऑफ ही रहेगा। इतना ही नहीं, पिछली बार भी हमारे रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट पर हमने जो वीडियो बनाया था उसमें भारत के खिलाफ जो भी साजिशें हुई है आज तक उन सब के बारे में हमने बात की थी, उस वीडियो का भी इसी प्रकार से हाल हुआ था, उसका भी मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया था। जो हमारा दूसरा चैनल है प्रतीक स्पीक्स, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उस चैनल पर भी कुछ ऐसे वीडियोज़ है जिनका बिना वजह ही मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया है। आज मैंने जो एक वायरल आंटी, उन पर आप में से बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि मैं उन पर वीडियो बनाऊँ, तो उन पर मैंने एक वीडियो बनाकर हमारे दूसरे चैनल पर अपलोड किया है प्रतीक स्पीक्स पर, लेकिन उस वीडियो का भी मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया है। मैंने रिव्यू के लिए डाला तो भी उन्होंने कहा भी आई कि नहीं, इसका मोनेटाइजेशन हम ऑन नहीं कर सकते। अब बताइए उस वीडियो में मैंने क्या कहा है? सिंपली फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैंने थॉट्स रखे हैं, अपने विचार रखे हैं, बस कोई वजह ही नहीं है उस वीडियो को मतलब मोनेटाइजेशन ऑफ करने की, फिर भी उन्होंने वो ऑफ कर दिया। और भी कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं तो पता नहीं, मतलब ये बार बार इस प्रकार के कुछ लोग हैं जो टारगेट कर कर रिपोर्ट्स करते हैं वीडियोस को, उनके पास में विरोध करने के लिए कोई है नहीं, मुद्दा वजह होती नहीं है, तो वो बस इस हथियार का ही उनके उपयोग करते हैं कि ग्रुप बनाकर वो इस प्रकार से अटैक करते हैं, वीडियोस को टारगेट कर कर रिपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि मैं जो वीडियोज़ बनाता हूँ वो कम से कम आप पूरे देखिए। मैं इतनी मेहनत कर कर, रात रात भर जग कर, या फिर दिन भर मेहनत करके मैटर तैयार करता हूँ, कोई भी फिल्म का भी अगर मैं रिव्यू करूँ, आप देखते होंगे मैं बस फिल्म कैसी है, हाँ हाँ ही हो, बहुत अच्छी है, खराब है, ऐसा कहकर वीडियो ख़त्म नहीं करता हूँ। आप मुझे समय देते हैं, उस समय का सदुपयोग हो, आपको कुछ नई जानकारी मिले, इसलिए मैं काफ़ी अलग अलग जगह के आर्टिकल्स और जानकारी इकट्ठा करके फिर मैं रिव्यू बनाता हूँ। और भी जो मेरे दूसरे वीडियोज़ होते हैं रिव्यूज़ के अलावा, उसमें भी आपने देखा होगा काफ़ी रिसर्च कर कर उसमें समय बहुत जाता है। रॉकेट द नंबी इफेक्ट का जो वीडियो था उस पर भी मैंने काफ़ी दिन रिसर्च की थी। अब इतने सारे सब साजिशें मुझे उस वीडियो में बतानी थी तो समय तो लगता ही है। तो कम से कम आप सब दोस्तों से मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को आप देखिए, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ में शेयर करिए। भले ही वो मूवी रिव्यू ही हो, आपको लग रहा होगा कि यार इसको इसको क्या शेयर करना, लेकिन उसमें जो मैंने थोड़ी बहुत भी कुछ मेहनत की है, अगर आपको लगता है कुछ जानकारी दी है, तो प्लीज़ आप उसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। अब इस जो ये मोनेटाइजेशन ऑफ हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करने ही वाला हूँ, अपनी मेहनत करते ही रहूँगा, लेकिन आप सब दोस्तों से मेरी बस यही अपेक्षा है कि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो कम से कम आप पूरे देखिए। मैं इतनी मेहनत से बनाता हूँ तो मेरी बस एक ही अपेक्षा है कि आप सब दोस्तों के पास ये जानकारी पहुँचनी चाहिए, और आप इस जानकारी को आपके दोस्तों के पास में पहुँचाइए। और मैंने जो अभी वायरल आंटी के ऊपर आपने बोला था, उन्होंने शॉर्ट कपड़े पहनने का विरोध किया था, उस पर को जो कंट्रोवर्सी हुई थी उस पर भी मैंने वीडियो बनाया, उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखना। और भी जो हमारे दूसरे उस चैनल पर वीडियोज़ है उसे भी आप पूरा ज़रूर देखना। हमारे इतिहास को लेकर, भारतीय संस्कृति को लेकर बहुत सारी वीडियोज़ मैंने उसमें बनाए हैं, और हो सके आपको पसंद आए कंटेंट तो हमारे उस दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए।